वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक संस्कृति का विकास 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। अब ऋग्वैदिक संस्कृति के अध्ययन का जब प्रयास करते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है उसमें साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो मुख्य रूप से हमारे पास ऋग्वेद है, दूसरा है ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता, राइट। ये दो मूल रूप से वैदिक के, खास करके ऋग्वैदिक के जो काल का इतिहास है, ऋग्वैदिक काल की संस्कृति की जो जानकारी है उसकी जानकारी प्राप्त करने के दो मुख्य हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो वैदिक काल, खास करके ऋग्वैदिक काल के अगर इतिहास को आप समझने का प्रयास करें तो इसके लिए पुरातात्विक जो स्रोत है वहाँ हमें मिलता है कई इम्पॉर्टेंट कल्चर से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें एक आंद्रोनोवो संस्कृति की चर्चा हम करेंगे, दूसरा बैक्टीरीया मार्जियना, पुरातात्विक कॉम्प्लेक्स, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरा गंधार कब्र संस्कृति, चौथा पिराक संस्कृति, पांचवा सिमेट्री एच संस्कृति, और छठा गेरू वर्णी मृद्भांड संस्कृति, इसको ओसीपी भी कहते हैं। ये 5-6 इम्पॉर्टेंट जो पुरातात्विक के स्रोत पर आधारित संस्कृतियों की जानकारी हमारे पास है, उन संस्कृतियों की जानकारी के आधार पर हम लोग ऋग्वैदिक काल के इतिहास का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए जब आप ऋग्वैदिक काल के इतिहास को समझने का प्रयास करें, उसको जानकारी हासिल करने का प्रयास करें, तो आपका ध्यान इन स्रोतों पर आनी चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो ऋग्वेद हमारा मूल स्रोत है ना। ऋग्वैदिक काल का अगर इतिहास आप समझने का प्रयास करें, ऋग्वैदिक संस्कृति को समझने का प्रयास करें, तो ऋग्वेद हमारे लिए मूल स्रोत है। ऋग्वेद एक तरह से इंडो यूरोपियन भाषा समूह की सबसे प्राचीनतम साहित्य है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे प्राचीनतम साहित्य। इसके पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जो टॉपिक में हम लोगों ने बात किया है, जो कि उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है हमारे, तो उसमें हमने एक बात किया था कि जो वैदिक संस्कृति है, इस संस्कृति के निर्माता आर्य हैं और उन आर्य संस्कृति की कुछ खास विशेषताएं हैं, और वहाँ पर हम आर्य कौन थे तो इसकी चर्चा हमने कहा था कि आर्ज जो है एक इंडो यूरोपियन भाषा समूह के लोग हैं, है ना। जिसे आप आर्यन कहते हैं, उसका मतलब यहाँ पर हमने बातें किया था। चूँकि आर्य जो शब्द है इसका अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या मिलती है, तो वहाँ पर हमने बताया था कि आर्यन एक भाषाई समूह थे। आर्य लोग जो थे एक विशेष प्रकार की भाषा को बोलते थे जिसे इंडो यूरोपियन भाषा समूह कहते हैं। उस इंडो यूरोपियन भाषा समूह के अंतर्गत पूर्वी जो इसका समूह है उसमें इंडो ईरानियन आर्य भाषा भाषी समूह और इंडो हिंद भाषा भाषी समूह है। यानी कि ईरानी जो भाषा है, पर्शियन जो भाषा है, वो भी इंडो यूरोपियन भाषा समूह के पार्ट है। और जो भारत की जो संस्कृत भाषा है वो भी इंडो यूरोपियन भाषा समूह के, वो भी इंडो यूरोपियन भाषा समूह का ही एक पार्ट है, एक अंश है। इसलिए जब हम इसका अध्ययन करने जाते हैं तो हमने कहा कि ये प्राचीनतम है, पूरी इंडो यूरोपियन भाषा समूह में ये प्राचीनतम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इंडो यूरोपियन भाषा समूह के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, तीन चार महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, एक तो ये होमर के, यूनानी कवि होमर जो है इसने इलियड एवं ओडिसी नामक महाकाव्य की रचना की थी। इसमें ऋग्वेद का जो काल है ये 1520 में है, 1500 ईसा पूर्व है। जेंद अवेस्ता का काल है 1400 ईसा पूर्व, और इलियड एवं ओडिसी का काल है लगभग 900 से 800 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ऋग्वेद जो है आर्यों की प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य, हालांकि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईसा पूर्व में की गई थी, लेकिन ऋग्वेद का लेखन बाद के कालों में भारत में 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। रचना और लेखन दोनों में आपको अंतर करना चाहिए, क्योंकि कवि ने उससे स्तुति पाठ की रचना की 1520 में, लेकिन वो मौखिक के स्वरूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहा। ऋग्वैदिक आर्यों के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी। ध्यान ये रखना है कि जैसा कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में पढ़ा कि सिंधु सभ्यता के लोगों की एक लिपि थी जो चित्रलिपि रूप में थी और जिसे वर्तमान में पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन अगर बात करें कि क्या ऋग्वैदिक आर्यों की कोई लिपि थी, तो ऋग्वैदिक आर्यों की कोई भी लिपि नहीं थी। उनकी भाषा थी जिसको हम लोग इंडो यूरोपियन भाषा समूह के अंतर्गत हिंद आर्य भाषा समूह के रूप में देखते हैं, जो भारत में बोली जाती है। तो पहला चीज तो ध्यान में रखना है कि आर्यों के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी, वे लेखन कला से अनभिज्ञ थे, यानी लेखन कला की उनके पास जानकारी नहीं थी। जो भी ऋग्वेद के सूत्रों की रचना की गई, ऋग्वेद के पाठों की रचना की गई, वो रचना ऋषियों के द्वारा की जाती है और वह रचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप में संचरित होता है। तो इसको तो एकदम क्लियर कट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जब मैं बात कर रहा हूँ कि ऋग्वेद, यहाँ भी ध्यान में रखिएगा कि जब हम कहते हैं कि ऋग्वेद इंडो यूरोपियन भाषा समूह का प्राचीनतम साहित्य है, सबसे, ये न केवल भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे इंडो यूरोपियन भाषा समूह है जिसके अंतर्गत आपको ईरानी भाषा भी है, इंडिया का संस्कृत भाषा भी है, यूरोप की लैटिन भी है, लैटिन से फिर यूरोप में जो भाषाएं विकसित हुई, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डेनिश हो, उन सभी भाषा समूहों के जो साहित्य हैं उन साहित्यों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। और चूंकि ऋग्वेद हमें ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति की जानकारी के मौलिक स्रोत है ऋग्वेद, और इसलिए जब आप स्रोत की चर्चा करें तो ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के संदर्भ में एक तो ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद क्या है, एक तरह से स्तुति पाठ, ये देवताओं को समर्पित इसमें स्तुति पाठों की रचना की गई थी और इस स्तुति पाठ को 10 मंडल में विभाजित किया गया है, राइट। इस 10 मंडल में 2 से 7 मंडल हैं ये सबसे प्राचीन हैं। ध्यान ही रखना कि ऋग्वेद के अंतर्गत जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो पुस्तक है इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है और उस 10 मंडल में भी हम कह रहे हैं कि 2 से लेकर 7वां तक मंडल सबसे प्राचीन है। 2 से लेकर 7वां जो मंडल है इस मंडल को हम वंश मंडल कहते हैं क्योंकि इस मंडल की रचना जो है एक विशेष ऋषि के वंश के लोगों के द्वारा या विशेष ऋषि के द्वारा किया गया है और इसलिए उसको या पारिवारिक मंडल भी इसको कहते हैं कि एक परिवार, एक विशेष परिवार के ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझने का प्रयास करें तो ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल हैं इसकी रचना विश्वामित्र ने की है और ऋग्वेद का तीसरा जो मंडल है, थर्ड जो मंडल है, ये ध्यान में रखना है आपको, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसको याद रखना है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है तीसरे मंडल में। और चौथी मंडल जो है इसमें कृषि के संदर्भ में हमको जानकारी प्राप्त होती है। 7वां मंडल में हमें दशराज युद्ध के बारे में जानकारी है। 8वां मंडल इसकी रचना स्त्रियों ने की है। 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है और 10वां, ये तो मतलब वंश मंडल हुआ जो प्राचीन है, और 10वां मंडल भी आप याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है, राइट। क्योंकि जब कभी भी आप अध्ययन करेंगे, ध्यान ही रखना है कि जब आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन के दौरान आपको विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि कई बार प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है, राइट। तो आपको ये फैक्चुअल डेटा याद करनी है कि गायत्री मंत्र का चर्चा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कृषि संबंधित प्रक्रिया की जानकारी कहाँ पर दी गई है तो चौथे मंडल में दी गई है। दशराज युद्ध जिसकी चर्चा बाद में हम करेंगे इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो इसका उल्लेख हमें 7वें मंडल में मिलता है। 8वें मंडल की रचना स्त्रियों ने की है जिसमें घोषा, अपाला, विश्वारा की चर्चा है और 9वें मंडल देवता सोम को समर्पित है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की चर्चा है। अब ऋग्वेद के संदर्भ में एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें 1028 सूक्त है, राइट, और 10,600 इसमें मंत्र हैं। ये तो फैक्चुअल डेटा है ऋग्वेद के संदर्भ में। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे मूल स्रोत है, यानी कि ऋग्वेद से ऋग्वैदिक आर्यों के भूगोल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इनके समाज के बारे में जानकारी मिलती है, इनके आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, इनके धर्म, प्रथा, परंपरा इत्यादि के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण हमने यह ग्रंथ का नाम लिया है अवेस्ता, जेंद अवेस्ता। ये जेंद अवेस्ता जर्थुष्ट संप्रदाय के जो लोग हैं उनका ये धार्मिक ग्रंथ है। और चूँकि एक मान्यता यह है कि जो आर्य हैं ये मुख्य रूप से मूल रूप से मध्य एशिया में निवास करते थे और मध्य एशिया से ये ईरान पहले आए और फिर ईरान से फिर एक जो ग्रुप है यह भारत की ओर आता है और दूसरा ग्रुप पश्चिमी यूरोप की ओर जाता है, तुर्की होते हुए यूरोप की ओर जाता है। तो जेंद अवेस्ता में जिस संस्कृति की चर्चा है और ऋग्वेद में जिस संस्कृति की चर्चा है उसमें कुछ समानता है। या दूसरी अगर बात करें आप तो जेंद अवेस्ता में भी जिन भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा है और ऋग्वेद में जिन भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा है उसमें कुछ समानता है और इसलिए जेंद अवेस्ता में जो आर्यों के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है, चाहे उनके भूगोल के संदर्भ में हो, चाहे उनकी संस्कृति के संदर्भ में हो, चाहे उनकी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में हो, चाहे उसकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हो, चाहे उनके धर्म प्रथा परंपरा के संदर्भ में जानकारी हो, उसको हम ऋग्वेद में जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके साथ कोरिलेशन करके हम करेक्ट करने का प्रयास भी करते हैं, राइट। क्योंकि जहाँ अवेस्ता में हरखवती नदी, एक हरखवती नदी की चर्चा जो है अवेस्ता में है, हरखवती नदी, राइट। अब ध्यान रखना है कि ईरानी जो भाषा है उसमें स का उच्चारण ह होता है। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी की चर्चा है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान का जो भौगोलिक क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी चर्चा भी अवेस्ता में हमें मिलती है और इसलिए अवेस्ता नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का उपयोग भी ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति को समझने में उपयोग किया जाता है, राइट। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भी मैंने इतनी चीज़ों की चर्चा की है और इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाकर के आप कोरिलेट कर पाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की पुरातात्विक जो संस्कृति है वो ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति की जानकारी के एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि ये आंद्रोनोवो संस्कृति जो है ये मध्य एशिया की संस्कृति है। ये मध्य एशिया के एक बहुत विस्तृत भाग में लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ये संस्कृति मध्य एशिया के एक बहुत बड़े भाग में तजाकिस्तान में इसका मेन सेंटर भी दिखाई देती है, वहाँ पर आंद्रोनोवो संस्कृति पाई जाती है। आर्यों की जो संस्कृति है, जिस आर्य संस्कृति का विकास भारत में होता है, जिस आर्य संस्कृति का विकास जो है मध्य एशिया में होता है या ईरान में होता है या यूनान में होता है, तो उनकी संस्कृति की कुछ खास विशेषताएं थी। उनकी संस्कृति की जो खास विशेषताएं थी उस विशेषताओं में घोड़ा, रथ, आरी वाला पहिया, यज्ञ, बलि, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सोमपान, यज्ञवेदी, ये उनकी खास विशेषताएं हैं। और इंडो यूरोपियन भाषा, और उस इंडो यूरोपियन भाषा के अंतर्गत उस क्षेत्रों की वनस्पति, उस क्षेत्रों की पशु पक्षी सबकी चर्चा है। तो जनरली जब आर्यों की बात की जाती है तो आंद्रोनोवो संस्कृति से जो जानकारी मिलती है, उस संस्कृति से जानकारी मिलती है कि आर्य जो है मूल रूप से शीतोष्ण जलवायु प्रदेश के निवासी थे, समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश के निवासी थे और जिन भौगोलिक क्षेत्रों से उनका परिचय था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और उनकी संस्कृति के जो मूल विशेषताएं जो कि भारत में भी दिखाई देगी, क्योंकि भारत में जब आर्यों की संस्कृति की बात करते हैं तो आर्यों की संस्कृति की पहचान भारत में क्या है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो आर्यों की संस्कृति की पहचान घोड़ा है, रथ है, आरी वाले पहिया, रथ में जो पहिया लगा हुआ है वो आड़ेदार पहिया है। फिर यज्ञ है, बलि है, बलि में पशु बलि भी है, यज्ञ वेदी का भी निर्माण ये कर रहे हैं, पितृ सतात्मक व्यवस्था है, सोम रस का पान भी इनकी संस्कृति से जुड़ती है। तो इस प्रकार की विशेषताएं आंद्रोनोवो संस्कृति में भी दिखाई देती है और इसलिए जो बातें कही जाती है कि आज मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत में आए, तो उसको स्थापित करने का कार्य जो है आंद्रोनोवो संस्कृति करता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि बैक्टीरीया मार्जियना पुरातात्विक कॉम्प्लेक्स, ये आर्कियोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्स है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अफगानिस्तान में बैक्टीरिया है और मार्जियना को लेकर के। इस पुरातात्विक संस्कृति का विकास जो है लगभग 1800 ईसा पूर्व में दिखाई देता है, ठीक है। और इस संस्कृति में भी जो आर्यन संस्कृति की विशेषताएं जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया उसकी विशेषताएं इसमें देखने को मिलती है। तो जो बातें कही जा रही है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए या फिर बैक्टीरिया मार्जिना के अंतर्गत ईरान के भी कुछ भाग शामिल हैं, तो फिर वो ईरान जाते हैं और वहाँ से फिर भारत यानी अफगानिस्तान होते हुए भारत में आते हैं, उसकी पुष्टि यहाँ से भी होती है क्योंकि यहाँ भी आर्यन संस्कृति की जो विशिष्ट विशेषता है उन विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में प्रमाण मिले हैं। तीसरा, ये गंधार कब्र संस्कृति जो है इसका विकास प्रवर्ती हड़प्पा कालीन, राइट, प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति के क्रम में यानी लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ है और इससे गंधार कब्र संस्कृति के अंतर्गत सौधान जो है कब्र में दफनाए गए हैं, लेकिन सामान्य रूप में वे ऐसे सौधान हैं जिसमें शव को जलाने के बाद उसके बची कुची हड्डियों को उसके अंतर्गत रखा गया है और उसमें एक विशेष प्रकार के मृद्भांड को भी रखा गया है। उन मृद्भांडों के ऊपर घोड़े का चित्र भी बना हुआ है और साथ ही साथ घोड़े की हड्डियाँ भी यहाँ बड़े पैमाने पर मिलती है, बलि के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि जो गंधार क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर आर्यों के आगमन की सूचना हमें गंधार कब्र संस्कृति से भी मिलती है। इसके बाद पिराक संस्कृति, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, ये भी 1700 ईसा पूर्व 1600 ईसा पूर्व में हमें पिराक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, इसमें भी घोड़े के प्रमाण मिलते हैं और आर्यों की संस्कृति के तत्व मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ तो उसमें एक विशेष प्रकार के मृद्भांड मिले थे जिसको सिमेट्री एच संस्कृति कहा जाता है और उस सिमेट्री एच संस्कृति में भी विशिष्ट प्रकार के जो मृद्भांड मिले उस पे घोड़े का चित्र भी बना हुआ है और यहाँ शव को एक लकड़ी के ताबूत में बंद करके दफनाया गया है। इसे भी उस समय ये कहा गया था कि आर्यों का एक तरह से आगमन की यह सूचना देता है। अब सिमेट्री एच संस्कृति का भी विस्तार देखने को मिलता है और इसलिए अब इसका भी उपयोग जो है ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति के साथ तादम्य स्थापित करने के लिए किया जाता है और ऋग्वैदिक आर्यों के साथ साथ गेरू वर्णी मृद्भांड की संस्कृति भी मिलती है, इसका भी प्रयोग जो है ऋग्वेद के काल के इतिहास की जानकारी के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर एक और आप चीज़ याद रखें कि पीजीडब्ल्यू विदाउट आयरन है ना, यानी पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का जब हम अध्ययन करेंगे और उसमें पाएंगे कि पेंटेड ग्रे वेयर जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंतर्गत बिना लोहे का जो अस्तर प्राप्त हुआ है वह अस्तर जो है ऋग्वैदिक काल की संस्कृति के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें जानकारी देता है। तो इस आधार पर आप ऋग्वैदिक काल के संस्कृति के स्रोतों के बारे में आप जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।